खुदावनी शु मसीह में आप सभी मसीह बहनों को सलाम। जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत ही दुखद घटना है जो कि त्रिपुरा के एक चर्च से हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ बैंबू लगाकर, कर्टन लगाकर, ऊपर प्लास्टिक का पेपर लगाकर ये लोग एक छोटी सी चर्च बिल्डिंग बनाई है। यहाँ पर बैठकर आराधना कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन कुछ विरोधी लोग आकर इस चर्च के ऊपर अटैक कर दे रहे हैं, पूरा तोड़ दे रहे हैं। वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो मैं धन्यवाद करूंगा ब्रदर मरकुस का, जो कि नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश में रहकर मिनिस्ट्री कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे वीडियो का लिंक दिया और कहा कि ये देखो, मतलब विश्वासियों का रिस्पॉन्स देखो इस पूरे क्वेश्चन के प्रति। तो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता था कि आप देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं। और तो मैं अपनी प्रतिक्रिया देता हूं लास्ट में, आप सबसे पहले देखिए यहां इस वीडियो को। यार मैं क्या ही कहूं इस चर्च को लेकर, मतलब मैं जब ये देख रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अंदर ही अंदर दुख तो हो रहा है कि चर्च के साथ क्या हो रहा है, लेकिन एक अंदर में जो एक खुशी होती है, आनंद मिल रहा है जो चर्च को ढा रहे हैं, इन्हें देखकर नहीं, इन लोगों को देखकर, इनकी कमिटमेंट को देखकर। और साथ में ये जो भजन गा रहे हैं, त्रिपुरा लैंग्वेज में गा रहे हैं, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ही टच दे रहा है। एक ऐसा लग रहा है उनके अंदर से आवाजें निकल रही हैं और हम उस चीज को फील कर पा रहे हैं। माय गुडनेस, आप देखिए इस चर्च को एक बार जरा। कोई बड़ा सेटअप नहीं है, कोई बड़ी लाइट्स, बड़ा साउंड सिस्टम नहीं है, बड़ी इंस्ट्रूमेंट्स तगड़े तगड़े नहीं इनके पास, बस एक ड्रम बज रहा है। लेकिन कितनी कमिटेड कलीसिया है कि देखो, एक चीज मैं यहां पर कहना चाहता हूं, बहुत ही सीरियस है, बहुत ही गंभीर बात है। जब पिछले दिन ही पंजाब में एक चर्च के ऊपर अटैक हुआ था, तो वहां पर जब मसीह के ऊपर अटैक हुआ तो कलीसिया के लोग वहां पर भागने लग गए, कोई खेतों में भाग गया, कोई किसी भी तरह से डर के जब उन्होंने अटैक शुरू किया तो भागने लग गए, जो कि एक बहुत ही शर्मनाक बात थी। और जब मैंने चर्च में मैसेज भी किया था उस अटैक के बाद, तो मैंने उस बात को कहा था कि राजाओं के राजा
प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह की आप आराधना कर रहे हो, फिर हम ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु वहाँ मौजूद है। जब दो या तीन इकट्ठे होते हैं, खुदा वहाँ मौजूद होते हैं, तो उसकी मौजूदगी में जब ये राजाओं का राजा, जब प्रभु यीशु वहाँ मौजूद है, तो आप कैसे उसकी आराधना को छोड़कर भाग सकते हैं कि प्रभु हम तेरी आराधना बाद में करेंगे, हमें सबसे पहले अपनी जान का फिक्र है, अपने शरीरों का फिक्र है। और वहीं जब हम कंपेयर करते हैं इस कलीसिया को, माय गुडनेस, मेरे पास सच में शब्द नहीं, मैं क्या कहूं। अब ये लोग कंटिन्यूसली खुदा की आराधना करते जा रहे हैं, परमेश्वर के लिए भजन गाते जा रहे हैं, कि कोई चीज हमें खुदा के जो प्रभु यीशु जो हमारे सामने खड़ा है, जिसकी हम तारीफ कर रहे हैं, जिसकी हम महिमा गा रहे हैं, जिसे हम सजदा कर रहे हैं, कोई भी चीज हमें रोक नहीं सकती है कि हम उसकी आराधना छोड़कर भाग जाएं या उसकी आराधना करना बंद कर दें। इन्होंने कंटिन्यू रखा, पूरे चर्च को नंगा कर दिया गया, पूरे बैम्बूज हिला दिए गए। ये भी डर हो सकता है कि अगर हमें कोई बैम्बू लग जाएगा, ऊपर से सर पर चोट लग जाएगी, ये लोग हमें मारेंगे, कुछ नहीं। माय क्या ही कहूँ यार, आराम से खुदा की तारीफ करते जा रहे हैं, आराम से खुदा की महिमा गाते जा रहे हैं, उस प्रभु को आदर देते जा रहे हैं जो वहाँ पर मौजूद है। ये है एक, मैं कहूंगा, एक परफेक्ट क्रिश्चियन रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द परसिक्यूशन, कि जब कोई आपको प्रभु की महिमा करने से रोकने के लिए आता है, तो आप कहते हैं कि आप कुछ भी कर लो, हमारे पूरे सिस्टम को हिला दो, आपको जो करना है कर लो, आपको अगर हमारे शरीरों को भी मारना है तो मार लो, लेकिन हम प्रभु को छोड़ कर किसी और को सजदा नहीं करेंगे, और ना ही उसका हम इनकार कर सकते हैं कि चलो परसिक्यूशन को देख लिया, ऐसे लोगों को देख लिया, ऐसे चर्च के ऊपर हमला होते देख लिया, तो चलो चर्च आराधना करना बंद कर दो, प्रभु के आगे झुकना बंद कर दो, छोड़ो आराधना फिर कर लेंगे। मैं सोच समझ सकता हूं, अगर हम अपने आप को उस जगह पर रखें कि अगर मैं वहां उस मंडली में बैठा हुआ होता, इस फेलोशिप का हिस्सा होता, तो मेरे मन के ऊपर क्या बीतती, मैं क्या सोचता, क्या मैं भी इसी तरह बैठा रहता, प्रभु की आराधना करता रहता। हमें अपने आप को इन जगह पर रखने की जरूरत है कि यह सच में कितना करेजियस, कितना कमिटेड फैसला है जो इन लोगों ने लिया है। तो मैं सच में सैल्यूट करता हूं ऐसी कलीसिया को, ऐसी कलीसिया को मेरा सच में सलाम है कि इन लोगों ने ऐसे विरोध, ऐसी तोड़फोड़, ऐसे चर्च में अटैक होते हुए भी अपने जो आराधना है, अपनी जो खुदा के साथ लगन है, प्रभु के साथ जो कनेक्शन जुड़ा हुआ है, उसे नहीं तोड़ा, ना ही उसे टूटने दिया, भले ही इतना सब कुछ इनके आसपास में, इनके ऊपर हो रहा है, इनकी आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन माय गुडनेस कितना सुकून से भरे हुए ये भजन गा रहे हैं, खुदा की लगातार तारीफ कर रहे हैं। ये कलीसिया है चर्च, ये कलीसिया है, बड़ा साउंड नहीं है, बड़ा पुलपिट नहीं है, बड़ा सेटअप नहीं है, बड़ी बिल्डिंग नहीं है, लेकिन खुदा के साथ इनकी मोहब्बत है, खुदा के साथ प्यार है इनका, खुदा के साथ एक हैं ये लोग, इतनी मोहब्बत है खुदा के साथ इनकी। तो प्लीज मेरी प्रार्थना है सबसे पहले इस कलीसिया के लिए, खुदा इन्हें और भी स्ट्रांग करे, ऐसे परसिक्यूशन में भी खुदा के साथ खड़े रहने की इन्हें हिम्मत ताकत दे। आप भी सभी मेरे जितने भी भाई बहन हैं, प्लीज इनसे कुछ सीखिए कि जब स्ताव आता है, परसिक्यूशन आता है, तो ऐसे ही हमें खुदा में डटे रहना है, खड़े रहना है, क्योंकि ये जैसे पीड़ाओं का बढ़ना प्रभु यीशु ने कहा था, बढ़ रहा है धीरे धीरे, आप तक, मेरे तक, सब तक आने वाला है। हम सबको इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमें ऐसे लोगों से सीखने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों के तरह तैयार, मजबूत और तकड़े रहने की ज़रूरत है। आप सभी इन लोगों के लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिए, उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना कीजिए जो चर्च को तोड़ रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, कि खुदा इन्हें भी समझ दे, अपने वचनों का मसा दे, कि ये लोग भी सच्चाई को जाने, प्रभु यीशु को जाने। और हाँ, जाने से पहले मैं एक बार फिर से शुक्रिया करना चाहूँगा ब्रदर मार्कुस जी का, जो कि मिनिस्ट्री कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में रहकर। खुदा उन्हें, उनकी मिनिस्ट्री को भी और ज़्यादा बढ़ाए। और हाँ, उनके चैनल का लिंक जिससे मैंने इस वीडियो को लिया था, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। प्लीज़ आप उनके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु आपको भी बहुत आशीष दे। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा में बने रहें, प्रार्थना में बने रहें, विश्वास में बने रहें। आमीन।